गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 7 लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। आई विल टॉक ओनली अबाउट प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुनिएगा, तो अभी से ही तैयारी कर दीजिए ताकि आपका बेस मजबूत हो और जब IIT JEE की जब पास नज़दीक आ जाए एग्ज़ाम, यानी कि अभी तो 7 में होंगे, 8 में जाइएगा, 9 में जाइएगा, 10th 11th 12th, इसके बाद ठीक है जो भी मैथमेटिक्स है उसको आप हवा में उड़ा देंगे। तो इसके लिए आपको तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट चाहिए। तो चलिए अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। और जैसे मैं कि कोटा में है या अलग जगह पर को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 6 से ही प्रिपरेशन करा रहा है IIT JEE के लिए, ठीक है। तो मैं एक यहाँ से बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यहाँ से मैं बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा से नोट्स बनाइए और आप लोग यहाँ से एक अच्छा सा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट लेके जाइए और वो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स होगी यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जुड़ जाइए आप। वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर विथ इंजीनियर रवि सर। और आप आइए यहाँ पर देखिएगा एक कैसे क्या बोले हैं, बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओनली प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। देखिए, और चलिए, तो एक्स प्लस 2/5 इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। चलिए ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसका डिवाइड ये है तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो चलिए, तो यानी कि एक्स प्लस 2 को यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां 5 को एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अच्छा, एक चीज देखिए, और लिखना है चाहे इम्प्लाइज लिखना है, इक्वलिटी का साइन नहीं देना है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, 2 में x से मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, 5 में x से मल्टीप्लाई किए तो 5x, 5 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15 आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, x वाले घर वाले x वाले को बुलाएंगे अपनी तरफ, तो ये एक तरीके से जो इक्वलिटी का साइन है ना वो समझ लीजिए कि रिवर है, तो ये बुला रहा है तो ये कहता है कि मैं तो आऊँगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। तो चलिए ये बोलता है कि अब कोई बात नहीं, और देखिए नंबर नंबर को बुलाता है, कहता है कि आए, तो ये नंबर इस नंबर को अपनी तरफ बुला लेता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो 2x 5x को इधर आया तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, और 15 है और 4 है तो राइट साइड में जाएगा तो -4 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ देखिए, 2x में से -5x इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, पहले माइनस का साइन है, माइनस दे दिया, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, x लिख देंगे, और 15 में से 4 जाएगा 11 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या हुआ, 11/-3, ठीक है, आ चुका है 11/-3। हमने क्या बोला कि माइनस नीचे नहीं ऊपर लिख देते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू -11/13 लिख देंगे। देखिए ये आंसर हो चुका है। देखिए एक मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखिएगा जो बॉक्स में मैं लिखता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर माइनस ए ऊपर रहे, ठीक है, या माइनस ए नीचे रहे, या माइनस ए साइड में रहे, ठीक है, तो ये तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, तीनों का वैल्यू सेम ही होता है। चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ गेम खेलोगे, कुछ गेम खेलने वाले हैं, और यहाँ पर देखिएगा, और एक्स माइनस 5 इजक्वल टू 2, ऐसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि ये पहले देखिए दोनों माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस 2, अब इसके बाद ऑपरेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। देखिए अब क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो एक्स प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई किए x प्लस 2 से और 5 से मल्टीप्लाई किए x माइनस 5 से। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट कहता है सर x माइनस 5 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 में x से मल्टीप्लाई किए तो 2x आ जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आएगा, प्लस 4 इक्वल टू 5x। ठीक है, 5 माइनस 5 तो माइनस 25, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक चीज़ देखिए, हमने क्या बोला है कि x वाले घर वाले x वाले को बुलाएंगे, ठीक है, और जो नंबर वाले हैं नंबर को बुलाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो 2x माइनस 5x, और जब बुलाएंगे ना तो वो आएगा, आता है जरूर लेकिन साइन चेंज होता है। और देखिए नंबर भी बुला रहा है ना तो इसको बुलाएगा, देखिए साइन चेंज होगा, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, देखिएगा 25 और ये प्लस है तो आ गया माइनस हो गया। ठीक है, और देखिए ये दोनों की क्वांटिटी में से किसकी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो 5 के पहले किसका साइन है, माइनस, माइनस दे देंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3x आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 25 में 4 जोड़ेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होता है, नंबर प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो चलिए 25 में 29 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या ट्विस्ट आया, x इक्वल टू माइनस 29 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और x इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 29 बाई 3 आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा ठीक से ध्यान से समझना है। ठीक है, 3 में बात कर रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो माइनस एक्स प्लस 2 बाई 10 इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 3, कोई दिक्कत। अच्छा देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं और लिख देते हैं, तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 3 में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि माइनस 3x लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 3 में प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ गया। ठीक है, 10 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 30 आ गया, क्लियर है। अब देखिए अब कहानी होता है क्या, अब देखिए माइनस 3x है ना तो किसको बुलाएगा, 10x को बुलाएगा, क्योंकि ये भी x का घर का मेंबर है, ये भी x के घर का मेंबर है तो अपने तरफ बुलाएगा। चलिए तो माइनस 3x है अतः 10x को बुला लिया तो आएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। चलिए 10x हमने लिख दिया और 30 तो नंबर को बुलाएगा, ठीक है, तो माइनस 6 हो गया, प्लस है तो अब देखिए यहाँ पर माइनस 3x है, माइनस 10x है तो माइनस साइन होगा माइनस का, लेकिन दोनों ऐड होगा तो यानी 13x, और जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 24, यही है ना। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पर माइनस यानी कि x इक्वल टू 24 बाई माइनस 13 लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर और समझने वाली बात है कि x इक्वल टू माइनस को ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं और 13 नीचे इस तरीके से लिख देते हैं, ये भी हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब बोलिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत चल रहा है, नहीं ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसा देखिए ये भी माइनस में हो और ये प्लस में, यानी कि वेरिएबल माइनस में, तो यहाँ 3 है। अच्छा ये भी माइनस में हो और यहाँ हो 7, क्लियर है। अच्छा देखिए दोनों माइनस में है तो कोई बात नहीं, और ये दोनों कांस्टेंट प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3, स्पीड रखना है, स्पीड तो चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, 7 में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 आएगा, और 7 में 5 से 35, ओके। 3 में माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 3x आएगा, 3 में 2 से करेंगे तो 6 है, क्लियर है। अब क्या करेगा, अब बताइए जल्दी आप लोग, तो क्या करेगा,
कि एक्स वाले घर एक्स वाले को अपने तरफ बुलाएगा, तो बुलाएगा तो बुलाने दीजिए, तो नंबर भी ये अभी अपनी तरफ बुलाएगा। चलिए तो आइए 7xg आप बुलाइए इसको, तो ये देखिए आता तो है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो गया 3x। अच्छा 6 अब इसको बुला रहा है, नंबर है तो नंबर को बुला रहा है ना। चलो तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस 35 हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अबे हम बात करते हैं, देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 7, तो 7 के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस हम लिख देंगे और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4x। चलिए ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बड़ा है ना, बड़ा के पहले माइनस है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर के पहले क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 29, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखते जाइएगा तो ये x इक्वल टू लिख सकते हैं आप, x इक्वल टू माइनस 29 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू 29 बाई 4 आंसर आ गया, कोई तकलीफ नहीं ना। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चंस, इसके बाद मैं दे दूंगा ताकि प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस मैं दूंगा ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस अगर करते हैं तो देखिए x माइनस, अब थोड़ा सा वेरिएबल को अलग लेते हैं, चलिए थोड़ा सा वेरिएबल को अलग लेते हैं तो y ले लिया, ठीक है, तो y प्लस 2 बाई 10 इक्वल टू y माइनस 5 बाई 6। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, तो ऐसा क्वेश्चन है तो 6 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6y प्लस 2। ज़्यादा टेंशन लेके नहीं बनाना है, मैथमेटिक्स दिस इज वेरी फैंटेस्टिक, और इन सब को आनंद लेके बनाइए, आनंद आनंद के साथ बनाइए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर गाना गाते जाइए और बनाते जाइए, मुस्कुराते रहिए और सॉल्व करते रहिए। तो 6 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6y, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, चलिए इक्वल का साइन है इक्वल का साइन दे दिए। 10 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y हो जाएगा, ठीक है, ओ यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर पहले माइनस दे दिए, 10 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ गया, यहाँ तक कोई तकलीफ। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला है कि y को बुलाता है, y घर वाले मेंबर y वाले को बुलाते हैं और नंबर नंबर को बुलाता है, तो चलिए लिख देते हैं 6y, और आता तो है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस 50g बुलाएंगे 12 को तो प्लस है तो आइए 12g माइनस हो गया। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 10 के पहले किसका साइन है माइनस, जो बड़ा होता है ना उसी का साइन हो जाता है, तो माइनस हो गया, 10 में से 6 जाएगा 4y हो गया, और 50 अब माइनस 12 हो गया, माइनस 72 हो गया, माइनस 62 ना। चलिए अब एक चीज़ बात करते हैं, y इक्वल टू माइनस 62 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से 2 कटेगा और 31 होगा, यानी कि y इक्वल टू 31 बाई 2 आंसर आ चुका, ठीक है, आंसर लिख देना है बॉक्स बना के आंसर, ठीक है। अब फिर में अब क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बनाइए, तब तक इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सिंपल सा थ्योरी है, देखिए 6 में अगर अब अलग लेते हैं P लेते हैं P, अच्छा P लेते हैं R, मेरा नाम रवि सर है तो R ले लिए, R माइनस 2 प्लस कितना होगा तो 5 लिख दिए, R प्लस 3 इक्वल टू 2, कोई बात नहीं, चलिए मेरा नाम रवि सर है इसलिए R हमने लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे 2 में R माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 में R प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R हो गया, 2 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 हो गया, एक 5 में R से तो 5R हो गया, और 5 में 3 से तो 15, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ अब बताइए, R वाले घर को R बुलाएंगे, R वाला ही बुलाएगा, तो 2R इसको बुलाया तो आइए जी, और ये आए प्लस थे तो माइनस बन गए, ठीक है। अब देखिए 15 वाले भैया जी
फोर को बुलाएंगे तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, देखिए यहाँ टू आर है, फाइव है, देखिए इस बड़े क्वांटिटी से इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देते हैं, और यहाँ पर इसमें फाइव में से टू माइनस किए तो थ्री आर, ठीक है, ये हो गया 90। तो यानी कि r इक्वल टू 90 बाई माइनस थ्री, यानी कि r इक्वल टू माइनस थ्री बाई 90 क्या हो चुका है ये हमारा, ओ मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर r इक्वल टू माइनस ऊपर चला जाएगा और थ्री लिखा जाएगा आंसर, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं ताकि आप लोग प्रॉब्लम्स और आंसर भी देंगे, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दे रखा है, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है ताकि प्रैक्टिस हो। देखिए हमने राइट साइड में आंसर दे रखा है, ठीक है, देखिए राइट साइड में हमने आंसर लिख रखा है, तो पहले आप सॉल्व करोगे, इसके बाद आंसर को देखोगे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए, क्योंकि यहाँ एक बेहतर कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं लेक्चर 4 में, ओके, ऑल द बेस्ट।